अधिकारी चाहता है। ईपीएफ में एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि अगर हमारा कोई भी साथी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसकी कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसको पेंशन का प्रोविजन है। यहाँ तक कि अगर 10 साल तक लगातार ईपीएफ का पैसा जमा होता रहता है, उसको ईपीएफ नंबर अलाट होता है, तो उसको पेंशन पाने का हक मिलता है। इसलिए ईपीएफ उसका जमा होना चाहिए और ईपीएफ के लिए बहुत शोषण हो रहा है। लोग गबन कर रहे हैं, अधिकारी और ठेकेदार मिलकर उसको करोड़ों रुपया लोगों ने गबन कर लिया है, जिसकी एक जाँच होनी चाहिए। हमने कई लगभग कितने लोग हैं आप लोग कहाँ पर ये इस चीज को जो मांग कर रहे हैं, इसमें कितने लोग हैं? पूरे प्रदेश में करीब 40,000 संविदा कर्मी है। इसके बाद टीडी बाद हमारे TD2 है, TD2 की जो हमारा प्रमोशन चैनल है, ये सब लोग ये मांग कर रहे हैं। जी, सब मांग रहे हैं, सब जा रहे हैं। और आपको एक प्रमुख मांग बता दें, लोग TD2 से जेई के पद पर पदोन्नत होती थी, ये वरिष्ठता के आधार पर होती थी। प्रबंधन ने इसको जबरदस्ती हट पूर्वक जो है इसको आदेश को विड्रा कर लिया है और सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्यों सिलेक्शन जेई से ए में नहीं होता है, क्यों सिलेक्शन ए से एक्सएन में नहीं होता है, क्यों एसी से चीफ में नहीं होता है, तो खाली TD2 का जो प्रमोशनल चैनल है उस पर ये क्यों होना चाहिए? इसको भी वरिष्ठता के आधार पर किया जाए। पूर्व में होता रहा है, यह आदेश हुआ है कोर्ट के द्वारा ही हुआ है।